हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका द आयुर्वेद की एक और नई वीडियो में और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स फिसर के बारे में यानी जिसको हिंदी में बवासीर और फिसर कहा जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या बीमारी होती है इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर किस तरह से करते हैं और अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो उनको फिर किन बातों का ध्यान रखना है तो दोस्तों पाइल्स और फिसर एक गुदा द्वार से संबंधित रोग होता है जिसमें गुदा द्वार के जो वेंस होते हैं ये सूज जाते हैं और सूज कर ये फूलने लगते हैं और फूल कर मल के साथ में बाहर आ जाते हैं इनको पाइल्स कहा जाता है और गाइज गुदा द्वार यानी रैक्टम के अंदर अगर स्किन चिरने लगती है स्किन फटने लगती है तो इसको फिसर कहा जाता है तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग होती हैं बट दोनों के होने का जो रीज़न होता है वो लगभग सेम होता है तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जब भी किसी को पाइल्स या फिसर जैसी समस्या होती है तो उस समय हिमालय के पाइलेक्स टैबलेट डॉक्टर के द्वारा उनको दिए जाते हैं और इन टैबलेट का दो दो टैबलेट सुबह शाम डॉक्टर यूज़ कराते हैं और शुरुआत में इसका एक से दो हफ्ते तक दो दो टैबलेट पेशेंट को लेनी होती हैं और बाद में इनको फिर डोज़ को कम कर दिया जाता है जब बीमारी जो है कंट्रोल होने लगती है तो उस समय डोज जो है कम कर दी जाती है दोस्तों इसके अलावा पाइल फोर्ड ऑइनमेंट पेशेंट के रैक्टम एरिया में अप्लाई करवाते हैं डॉक्टर जिससे कि उनको जो पाइल्स के मस्से हैं या फिसर जैसी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके उसको क्योर किया जा सके यानी इसको हील किया जा सके इसको लगाने का जो समय और तरीका ये होता है कि जब भी आप सुबह टॉयलेट से फारिग हो जाते हैं टॉयलेट से कंप्लीट हो जाते हैं उस समय आप इसको अप्लाई करें और रात को सोते समय अप्लाई करें तो दिन में दो बार इसका यूज करें और ये क्रीम गाइस आपको बहुत सारे फायदे करती है पाइलेक्स फोर्ट के नाम से आती है गाइस इसके साथ ही डॉक्टर त्रिफला चूरण का भी सेवन कराते हैं जो कि आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं दोस्तों त्रिफला चूरण को लेने का रीजन ये होता है कि ये पेट को साफ़ करती है और जब पेट साफ़ होता है कब्ज़ नहीं बनती है तो उस कंडीशन में जो पाइल्स या फिसर की समस्या है ये जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है दोस्तों पाइल्स या फिसर के होने का सबसे बड़ा कारण कब्ज़ का रहता है यानी कॉन्स्टिपेशन होता है जो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ लगातार बनी रहती है पेट में और उनका जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है और हार्ड स्टूल जब आसानी से पास नहीं होता है तो इस कंडीशन में पाइल्स और फिसर जैसी समस्या पेशेंट को होने लगती है तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपका पेट साफ़ रहे और पेट साफ़ करने के लिए बहुत सारे एलोपैथिक लैक्टुलो सॉल्यूशन जैसी दवाइयां जो हैं मार्केट में आती हैं अलग अलग नाम से और इसके अलावा आयुर्वेदिक में भी बहुत सारे सिरप और चूरन आते हैं बट गाइस त्रिफला चूरण एक ऐसी रेमेडी है जो आप डेली यूज करते हैं लगभग पाँच ग्राम चूरन रात को सोते समय लेना होता है हल्के गुनगुने पानी से तो ये चूरन आपके पेट को साफ रखता है और आपकी कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा दिलाता है दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेट्स वॉट तो सेट्स वॉट क्या होता है कि ये पाइल्स या फिसर के मरीज के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है दोस्तों इसमें एक टब में हल्का गुनगुना पानी लेकर आपको इसमें कपड़े उतार के बैठना होता है और आप इसके अंदर बीटाडीन वगैरह का सॉल्यूशन डालकर जो है आराम से बैठ सकते हैं और सिट्स बात ले सकते हैं दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसमें बीटाडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये फिसर जैसे या ब्लीडिंग फाइल्स के जो घाव हो जाते हैं जो वुंड हो जाते हैं उनको ये हील करता है इनके इन्फेक्शन को ठीक करता है और इनमें होने वाले इन्फ्लामेशन को ठीक करता है मतलब कि सूजन वगैरह को ठीक करता है तो ये इस तरह से जो है एक कॉमन ट्रीटमेंट होता है पाइल्स और फिसर के लिए और गाइज अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो बिल्कुल भी देर ना करें तो गाइज डॉक्टर को मिलें उनको बताएं। तो गाइज इस तरह से पाइल्स और फिसर का नॉर्मल ट्रीटमेंट रहता है और दोस्तों अगर आपकी किसी की समस्या बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल देर ना करें अपने डॉक्टर से मिलें और एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर उनको दिखाएँ ताकि आपकी जो समस्या है वो जल्दी से ठीक हो सके तो गाइज़ इन्हीं बिशिस के साथ आप सेफ़ रहें अपना ख्याल रखें दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद